और लखनऊ से खबर है समाचार प्लस पर। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने साधा बीजेपी पर निशाना। उन्होंने कहा कि सरकार निकम्मी है। क्या कहा है अजय कुमार लल्लू ने सुनिए। 8 फरवरी से यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले विधानसभा में बैठकों का दौर जारी है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है और अब सर्वदलीय बैठक होगी। मेरे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू जी हैं। ये बताइए, जो कल बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के जरिए जो सरकार है विपक्ष से अपील करेगा कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं, माना जा रहा है कि विपक्ष उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का बजट कल आना है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक साल पूर्ण हो गए और एक साल में पूरे प्रदेश का किसान, नौजवान, मजदूर, आम आदमी पूरी तरह हताश और निराश है। ये सरकार आई थी कि हम लोग कल्याणकारी नीति लाएंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए करने का काम करेंगे, लेकिन आज तक इस सरकार ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे इन लोगों की कहीं कोई व्यवस्था बहाल हो सके। इन तमाम मुद्दों